हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये प्रॉफिट और लॉस चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस कर लिया था, ठीक। 31 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों के हो गए थे। आज की इस क्लास में हम लोग 31 नंबर से आगे मतलब 32 नंबर से क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि वहाँ एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा था। 30, 31, 32 वो एक ही टाइप के सारे थे, तो उस टाइप में कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। ये टाइप 4 था शायद, नहीं टाइप 5 था, ठीक। टाइप 5 हम लोगों का चल रहा था, इसमें देखते हैं। यहां तक क्वेश्चन हमारा हो गया था, ठीक। आज की इस क्लास में हम लोग इससे आगे की बात करने वाले हैं। इसके आगे क्या है, ठीक, देखते हैं इसके आगे वाले टाइप के क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन की बात भाषा थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, ऐसा नहीं जैसा हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन पढ़ते एकदम सेम वो ऐसा ही रहेगा। हल्का हल्का क्वेश्चन का तरीका चेंज होता रहेगा, क्वेश्चन की भाषा जो है वो बदलती रहेगी। तो इस तरह तरह के जब क्वेश्चन हमारे सामने आए, तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसी आइडिया को हमें जनरेट करना है अपने माइंड में, कि हम लोग उन सब क्वेश्चन को कैसे कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। 32 नंबर वाले दिया गया है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। अब देखिए, यहां के लिए हम लोगों ने जो सॉरी हम लोगों का जो टाइप चला था वो था एक्स का सीपी बराबर वाई का एसपी, ऐसा हमने कॉन्सेप्ट बनाया था। क्या एक्स का सीपी बराबर वाई का एसपी, ठीक, ये तरीका था। इस जब ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता था कि जैसे 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक्स का सीपी बराबर वाई का एसपी, इसी टाइप का हो गया ना। तो इसके लिए हम लोगों ने सूत्र बनाया था, प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक। एक्स माइनस वाई और बटा वाई और इनटू क्या था, 100 था, ये था हमारा क्या फार्मूला, एक्स माइनस वाई बटा वाई इंटू 100, ठीक। अगर यही चीज़ हमारी माइनस में आ जाए तो हमें क्या होता, लॉस होता, और यही चीज़ अगर हमारा प्लस में आ जाए तो हमें प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है, मतलब लाभ हो रहा होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे डायरेक्ट हमें नहीं दिया एक्स का सीपी बराबर वाई का एसपी, ऐसा डायरेक्ट नहीं दिया, बल्कि सीपी और एसपी में अनुपात दे दिया है। सीपी और एसपी में क्या दिया है, अनुपात दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात दिया है, क्या हुआ, ये तो और भी आसान काम होता है। का 12 का सीपी, 12 का क्रय मूल्य, 9 का विक्रय मतलब 9 का एसपी, 12 का सीपी बटा 9 का एसपी, अनुपात मतलब बटा होता है, इनमें कितने का अनुपात है, 5:4 का अनुपात है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5/, बात समझे। कहा था 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या बना लिया, 5:4 का अनुपात बना लिया, क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब लाभ या हानि परसेंट बनाना है। अब देखो, सबसे पहले हम इसको इस रूप में परिवर्तित करेंगे, एक्स का सीपी बराबर वाई का एसपी, तो कुछ नहीं करना, 12 का 4 से गुणा कर लो, या 3 से पहले इनको काट लो, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, 4 का 4 में गुणा 16 का सीपी, 16 का क्या सीपी बराबर 3 का 5 में गुणा, 3×5=15 का एसपी, बन गया ना एक्स का सीपी बराबर वाई का एसपी। अब इसी को उठा के हम लोग अपने इस क्वेश्चन में सॉरी इस फार्मूले पे रख देते हैं। चलिए, यक्स का मान आया 16, वाई का मान आया 15, आप रख दो। चलो, यक्स का मान आया 16 माइनस वाई का मान आया 15 और गुणा है 100 और बटा है क्या वाई, वाई का मतलब क्या 15। चलिए सॉल्व कर लो, देखो 16 और 15 का अंतर एक हो जाएगा, 5 से इसको 3 बार में काट लो, 5 से इसको 20 बार में काट लो, 20/3, 20/3 का मतलब क्या है 6/2/3%, इतना परसेंट का क्या, देखो वैल्यू प्लस में आई है, मतलब लाभ हो रहा है, ठीक,
अगर वैल्यू प्लस में आई है तो लाभ हो रहा है। अब इसको आप लोग ढूंढ लो, ये देखो ये लाभ वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाए, सही है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। 15 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 3 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट बताइए। देखिए ये भी इसी के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं लग रहा होगा उसी के जैसा है, इसलिए हम लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि हमें एक आइडिया बन जाए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कैसा फार्मूला हम लोग लगाएं तो हमारा आसानी से काम हो जाए, क्योंकि हमें समय को भी ध्यान में रखना होता है। चलिए अब इसको बनाते हैं। 15 संतरे बेचने पर 3 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा ये बताओ लाभ कब होता है? जैसे लाभ अगर हो रहा है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है। 15 संतरे बेचने पर, मतलब जब वो 15 संतरा क्या करता है, बेच देता है, एस पी 15 का क्या, एस पी 15 संतरा जब बेच रहा है तो इसमें से आप सी पी माइनस कर दो। सी पी कितने का माइनस कर दो, क्योंकि उसने 15 संतरा ही खरीदा था और उसी को बेच रहा है। 15 संतरा ही खरीदा था, 15 संतरा को ही बेच रहा है, लेकिन वो खरीदा सस्ते में था और बेचा महंगे में है, इसलिए उसे 3 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इस बात को आपको समझना है। इसका मतलब विक्रय मूल्य में से हम लोग क्रय मूल्य को घटा दें तो हमारा लाभ आ जाता है। 15 संतरे के एस पी में से 15 संतरे का अगर हम लोग सी पी घटा दें, 15 संतरे के विक्रय मूल्य में से 15 का क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा, और वही लाभ क्या है, 3 संतरे के विक्रय मूल्य के, मतलब 3 का क्या एस पी विक्रय मूल्य, 3 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। देखो लाभ कैसे निकलता, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, और लाभ क्या है, 3 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। चलिए अब आप विक्रय वाला एक साइड कर लो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य एक साइड कर लो, 3 को इधर लाओ, 15 में से 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा 12 का एस पी। एस पी में से एस पी वाला ही घटेगा, ऐसा मत करना कि सी पी इधर ले जाके 12 3 15 कर दो, 15 3 18 का एस पी कर लो, ऐसा नहीं। एस पी वाला इधर लाएंगे, एस पी वाले में से घटेगा और सी पी वाला उधर ले जाएंगे, बराबर 15 का सी पी। बात समझिए, यही हो गया ना, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 15 का सी पी बराबर 12 का एस पी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, देखो कैसे आ रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमने उसको इस रूप में कन्वर्ट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना फार्मूले पे इसको रख देंगे। हमारा फार्मूला क्या है, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर यक्स माइनस वाई। यक्स 15 है, 15 माइनस वाई हमारा कितना है, 12 है, और गुणे 100 है, और बटा वाई, वाई का मान कितना है, 12। 12 में से 15 गया कितना, 3, और 3 से 12 को काटा 4 बार में, 4 से 100 को आप काट लो कितनी बार में, 25 बार में। तो आपका यहाँ पे क्या आया, प्रॉफिट परसेंट आया, ठीक, क्यों, क्योंकि माइनस में हमारी वैल्यू आई नहीं, प्लस में आई है, कितने परसेंट का, 25% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, 25% का क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हो गया। चलिए अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। यहां देखें, कहा है 15 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 3 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर की क्या होती है, हानि होती है, हानि प्रतिशत बताइए। देखिए उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 15 संतरे बेचा जा रहा, लेकिन 3 संतरे के जो विक्रय मूल्य के बराबर वहां हानि हो रहा, सॉरी लाभ हो रहा था, यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा हानि होता कब है, जब हमारा खरीदा गया मूल्य ज़्यादा हो और बेचा गया मूल्य कम। इसका मतलब उसने जितने भी 15 संतरा खरीदा था उससे सस्ते में 15 संतरा बेचा है, इसीलिए उसे 3 संतरे के खरीदे गए मूल्य के बराबर की हानि हो रही है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य के घटाएंगे तो हानि आएगा,
पंद्रह का सीपी माइनस पंद्रह का एसपी, पंद्रह का क्या एसपी और बराबर तीन का, भाई तीन के सीपी के बराबर ही तो उसे हानि हो रही है, तो हानि कैसे आता है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हानि आ जाती है, भाई संतरे में दिया है तो संतरे में हानि आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप बना लो उसके जैसा, पंद्रह का सीपी, अब देखो पंद्रह सीपी है, तीन सीपी है इधर आएगा, पंद्रह सीपी में से तीन सीपी घट जाएगा, कितना बचेगा बारह सीपी, बारह का सीपी बराबर ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा पंद्रह का एसपी। इसको ध्यान दीजिए आप लोग, इतना ही बनाना है। अब एक्स का सीपी बराबर वाई का एसपी हो गया, तो यहाँ पे प्रतिशत हानि मतलब लॉस, लॉस हो रहा है ना, बारह का सीपी जितना है उतना पंद्रह का एसपी है। आप पांच वस्तु जितने में खरीद के लाए उतने में ही अगर आप दस वस्तु बेचेंगे तो आपको हानि होगी ना, तो वही यहाँ हो रही है, कितने की हानि हो रही है, पंद्रह का, पंद्रह सामान का जो मूल्य था, सॉरी बारह सामान का जो क्रय मूल्य था उतने में पंद्रह सामान बेच दिया, तो बारह माइनस पंद्रह मतलब माइनस तीन, बारह माइनस पंद्रह मतलब माइनस तीन और गुणे सौ और बटा कितना वाई, वाई का मान क्या है पंद्रह, तीन से पंद्रह काटोगे पाँच बार में, पाँच से सौ को काटोगे बीस बार में, तो बराबर आ गए माइनस बीस परसेंट, मतलब माइनस हमने कहा हानि ही होगी, क्वेश्चन में भी ऐसा कहा है, तो 20% की उसे हानि हो रही है। अच्छा यहाँ पे एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस, तो आप लोग हानि वाला आंसर कर लेना सॉरी ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको देखते हम लोग। कहा गया है एक व्यापारी 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 40 किलोग्राम संतरे खरीद कर लाता है, जिसका कुछ भाग वह 20% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को 5% हानि पर बेचता है, इस प्रकार पूरे व्यापार में उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ होता, तो बताइए दोनों भागों की मात्राओं में अनुपात। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे ये कहा गया है हमसे कि 100 केजी उसने 100 रुपया पर केजी के हिसाब से कोई सामान लिया या जो भी दिया होगा, चावल वावल है, संतरे लिया, ठीक, कितना लिया 40 किलोग्राम लिया, कितना लिया 40 किलोग्राम लिया। चलो अभी हमसे इनसे मतलब नहीं है, देखो जहाँ भी अलग अलग लाभ या हानि दिया हो और ओवरऑल दिया हो, किसी चीज़ को दो भाग में बांटा गया हो और बेचा गया हो, ठीक, एक बार एक भाग पे दिया हो कितने की लाभ या हानि होती है, फिर दूसरे पे दिया हो इतने की लाभ या हानि होती है, और फिर दिया हो पूरे व्यापार में इतने की लाभ या हानि होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना, जैसे कि यहाँ पर दिया है देखो जिसका कुछ भाग 20% लाभ पर बेचा, ठीक, शेष भाग 5% हानि पर बेचा और पूरे व्यापार में उसे 10% का लाभ होता है, तो इसके लिए हमें एवरेज वाला, अभी एवरेज हमने पढ़ाया नहीं है, वहाँ पढ़ाएंगे, तो क्या करते हैं यहाँ पे पहला प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं, यहाँ पे दूसरा प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं और बीच में यहाँ पे हम लोग तीसरा वाला लिखते हैं, मतलब जो औसत हमें दिया होता है, ठीक है ना, और उसके बाद ऐसे क्रॉस करके इनका अंतर ले लेते हैं, तो हमारा सीधे सीधे जो आता है वही क्या बन जाता है, अनुपात बन जाता है। जैसे 20% लाभ पर कुछ भाग 20% का लाभ पर बेचा, तो पहला का मान कितना दिया है 20% लाभ पर, लाभ पर क्या मतलब है प्लस, लाभ मतलब प्लस, शेष भाग 5% हानि पर बेचा और हानि मतलब क्या माइनस, 5% हानि पर बेचा, ओवरऑल उसे 10% का लाभ हुआ है, मतलब सेकेंड पे क्या है यहाँ पे 10% का क्या हुआ है उसे लाभ हुआ है। अब आप ऐसे क्रॉस इनका डिफरेंस ले लो, यही हमारा हो जाएगा सीधे सीधे मात्राओं का अनुपात बन जाएगा, मात्राओं का अनुपात बन जाएगा, मूल्य मात्रा से हमें कोई मतलब ही नहीं है, जब अनुपात बनाना हो तो कोई मतलब नहीं है, अनुपात बनाना ऐसे काम कर लेंगे, माइनस पाँच है और ये प्लस दस है, इनका आप अंतर कितना हो जाएगा आप बताओ, दस में से जब माइनस पाँच आप माइनस करोगे तो ये कैसे होगा,
दस माइनस माइनस पाँच ऐसे लिखा जाएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है तो बड़ा दस है, इसमें से माइनस ये किसको, माइनस पाँच को, क्यों, क्योंकि ये हानि है हमारा माइनस के साथ में। अब यहाँ पे बड़ा बीस है हमारा, बीस में से क्या घटाना है, इस दस को घटाना है तो माइनस दस कर लो। देखो क्या आया यहाँ पे, इसको हम लोग कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं। देखो दस ब्रेकर हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, दस और पाँच कितना, पंद्रह हो गया, अनुपात लगा। अब आप यहाँ बीच में अनुपात लगा सकते सीधे सीधे, ये इतना अनुपात है, इतना बन गया, बीस में से दस गया कितना, दस हो गया। पाँच से काट लो तीन बार में, अनुपात है पाँच से काट लो दो बार में, तो तीन अनुपात है दो का क्या हो जाएगा, हमारा अनुपात हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा कितना, तीन अनुपात है दो। ठीक है ना, ऐसे आप लोगों को काम करना है, यही काम करना है। चलिए यहाँ देखें, सेम क्वेश्चन है, पैंतालीस रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 24 किलोग्राम चावल खरीदता है, जिसका कुछ भाग 15% ये परसेंट है, ठीक है ना, 15% लाभ पर, और शेष भाग को 25% लाभ पर भेजता है, इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ हुआ। मतलब ओवरऑल, ओवरऑल वाला जो होता है ना, वो हमेशा बीच में लिखा जाता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, पहला यहाँ दूसरा यहाँ, और जो ओवरऑल पूरे व्यापार का होता है वो यहाँ बीच में लिखा जाता है, ठीक है ना, ऐसे काम करते। चलिए तो पहले उसे 15% का लाभ हुआ, फिर दूसरे भाग में उसे शेष पे 25% का लाभ हुआ, और ओवरऑल क्या हुआ, संपूर्ण व्यापार में उसे 18% का लाभ हुआ, संपूर्ण व्यापार में क्या 18% का, ऐसे आप करके डिफरेंस ले लो क्रॉस इनका, तो ये हमारा अनुपात बन जाएगा। 18 और 25 का आप अंतर ले लो, 25 में से 18 को आप माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 7 अनुपाते, ठीक, और यहाँ से 15 और 18 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, मात्राओं में अनुपात 7:3 का हो जाएगा, तो हमारा पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, पहला वाला क्या होगा, हमारा आंसर बन जाएगा। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखें। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं, एक दुकानदार के पास 90 किलोग्राम चावल है, जिसका कुछ भाग हुआ 10% लाभ पर बेचता है, शेष भाग को 18% लाभ पर बेचता है, यदि संपूर्ण व्यापार में उसे 16% लाभ होता है। हमसे अब तो मात्रा से कोई मतलब रह नहीं गई, कोई मतलब नहीं है, मात्रा क्या है, मूल्य क्या है, जब अनुपात बनाना हो तो उनसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर अनुपात के अलावा कोई और काम करना हो तो उनसे मतलब होता है, ठीक है ना, अनुपात के अलावा जब कोई और काम करना हो तो उनसे मतलब क्या है, होता है। अभी देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि, तो बताइए पहले भाग की मात्रा क्या लें ताकि ऐसा ऐसा काम हो जाए। ओके चलिए ये क्या लें, ठीक, ताकि ये काम हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों भागों की मात्राओं में अनुपात निकाल लेते हैं, कितने कितने के अनुपात में बांटा गया था, और फिर इसी 90 का अनुपात विभाजन कर दें, क्योंकि ओवरऑल पूरा का पूरा 90 केजी है। चलिए पहले भाग पे उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे और शेष, ये देखो ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग, दूसरे भाग पे उसे 18% का लाभ हुआ, संपूर्ण व्यापार में उसे 16% का लाभ हुआ, अंतर कर लो इनका, 2:6:1:3 देखो एक अनुपात है, 3 के अनुपात में क्या किया गया है, बांटा गया है दोनों मात्राओं को। ये देखो 10% का लाभ हुआ था, 18 का लाभ हुआ था, पूरे व्यापार में 16 का लाभ हुआ था, 10 और 16 का अंतर 6, 18 और 16 का अंतर 2, और ये दोनों में 2 कॉमन था, 2 से काट दिया एक बार में, 3 बार में, ठीक। अब हमें बताना है तो बताइए पहले भाग की मात्रा, पहले भाग का अनुपात कितना है, देखो ये टोटल मात्रा है 1:3, मतलब टोटल मात्रा कितना है, 3 और 1 4 है, ठीक है ना, अगर इनको हम जोड़े तो टोटल मात्रा बन जाएगा भाई, दोनों भागों का अलग अलग, अगर हमको एक को 1 रुपया दिया गया, दूसरे को 3 रुपया दिया गया, तो टोटल दोनों को कितना दिया गया, 4 रुपया दिया गया, और यही जो 3 और 1 का योगफल है कितना, 4, 3 × 1 = 4, यही बराबर कितने किलोग्राम के, अनुपात का 4 बराबर किलोग्राम के कितने, 90 के। तो आप बताओ हमें किसका पहले भाग का मान निकालना, तो पहले भाग का मान क्या है, 1 है, तो यही हमारा पहला भाग हो जाएगा, पहला भाग,
पहला भाग क्या है, एक ही तो है। एक बराबर 90/4, 90/4 अब काट लो, 4 से काटो 45/2, और 45/2 का मतलब क्या, 22.5 किलोग्राम। पहले भाग की मात्रा क्या, 22.5 किलोग्राम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22.5 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखें इस क्वेश्चन को, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का कुछ भाग 15% लाभ पर बेचता है, शेष भाग को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे व्यापार में उसे ना लाभ होता है ना हानि, ये भाग नहीं, इसको बना लो यहाँ पे, ना लाभ, ना लाभ होता है ना हानि, तो दोनों भाग की मात्राओं का अनुपात। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ भाग 15% लाभ पर बेचा, शेष भाग 10% हानि पर बेचा, पूरे व्यापार में उसे ना लाभ होता है ना हानि, मतलब क्या, जीरो। भाई जब आपको ना लाभ होगा ना हानि, तो आपका, आपको ना मिलेगा ना आपका जाएगा, तो मतलब आपका ओवरऑल खर्चा कितना, जीरो ही रह जाएगा, बैलेंस रह जाएगा। तो भाई हमने कर दिया जीरो, अंतर ले लो ये हो जाएगा 10, अनुपात ये हो जाएगा 15, 5 से काट लो 2:3, यही हमारा हो जाएगा आंसर, 2:3। देख लो चौथे में है ना, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान है। चलो अगला टाइप है, टाइप 9। यहां से शायद कहानी कुछ बदली बदली सी नजर आए। एक व्यापारी 100 रुपए पर केजी की दर से 40 केजी संतरे खरीद कर लाता है, जिसका एक 3/5 भाग 15% लाभ पर बेच देता है और शेष भाग को 10% हानि पर बेच देता है, तो पूरे व्यापार में उसे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, हम लोगों ने परसेंटेज में भी पढ़ा था। हमने कहा था जब दो अलग अलग लाभ या हानि दिया हो, या 3 दिया हो, और उनका टोटल पूरे का हमें औसत निकालना हो, मतलब पूरे का हमें लाभ या हानि परसेंट निकालना हो एक साथ, तो हमने कहा था प्रतिशत, ठीक है ना, ये लाभ या हानि जो भी रहेगा यहाँ पे बराबर बोला था ना, AX+BY+CZ/A+B+C। ये ट्रिक हमने बताया हुआ था। ए क्या है, ए हमारा जो हमारा मात्राएं होती हैं, और XYZ क्या है, ये परसेंट है, XYZ हमारा क्या है, परसेंट लाभ है हानि है, और ABC क्या है, ये मात्राएं हैं हमारी। अब देखो इस क्वेश्चन में 3/5 भाग, तो मतलब A का मान क्या है 3/5, और X का मान कितना है 15%, ऐसे ऐसे करके दिया है। चलिए हम लोग परसेंट निकालते हैं, लाभ या हानि देखते हैं, अगर माइनस में आया तो हानि, प्लस में आया तो लाभ। A का मान कितना है 3/5 भाग गुणे 15% लाभ पर, ठीक है ना, 15% लाभ पर, प्लस बी का मान क्या है। अब ये बताओ शेष लिखा है ना, और शेष तो 3/5 के बाद शेष कितना बचा, आप 1 में से 3/5 घटाओगे तो शेष क्या बचेगा, 2/5। इसको क्या किया, 10% हानि पर, इसको क्या किया है -10, 10% हानि पर। अब देखो, अब नीचे ABC, नीचे ABC मतलब क्या है, हमारे पास दो ही है A और B, तो 3/5 और 2/5 को जोड़ोगे 5/5 मतलब 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 हम लिखेंगे नहीं बटे में, ठीक है ना, बटे में 1 क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, कोई मतलब तो है नहीं 1 लिखने का। 5 से इसको काट लो 3 बार में, 5 से इसको काट लो 2 बार में, ये हो गया 3 * 9, और ये 2 * 2 - -4, तो बराबर क्या आया आपका +5, यानी कि 5% का क्या हुआ, ये लाभ है, क्या है, प्लस में आया है ना, तो 5% का हमारा लाभ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर बन गया, ठीक ना, ये बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। यहां देखें, कहा है एक व्यापारी के पास 120 केजी चावल है, जिसका 2/5 भाग वह 15% लाभ पर बेचता है, शेष भाग को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, जिससे उसे व्यापार में कुल ना लाभ हो ना हानि।
अब बोलो। अब देखो शेष भाग को हमसे कहा तो कोई दिक्कत नहीं, हमसे मात्रा से कोई मतलब ही नहीं, वही सूत्र लगा लो। ओवरऑल उसे ना लाभ हो ना हानि, मतलब यहाँ पे जो निकालना है वो क्या है हमारा, जीरो, ना लाभ हो ना हानि। ए का मान क्या है, 2/5 है, इसे क्या किया गया है, 15% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। प्लस शेष भाग को कितने परसेंट हानि पर बेचे, शेष कितना बचा, 2/5 अगर आप निकाल दोगे तो शेष बचा क्या, आप बताओ शेष क्या बचा, 2/5 आप हटा दो एक में से तो कितना बचा शेष, 3/5 को, सॉरी यहाँ पे 3/5 है, इसको हम लोग मानेंगे क्या, एक्स परसेंट हानि पर बेच दिया, एक्स परसेंट हानि पर बेच दिया, ठीक ना, एक्स परसेंट हानि पर क्या किया, बेच दिया, तो वही हमें एक्स का मान निकालना है क्या आएगा। चलो 5 से इसको आप काट लो, 5 से ये कटेगा 3 बार में, और 3 और 2 = 6, 0 = यहाँ पे अगर हानि की बात किया तो आप माइनस में ले लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, माइनस में ले लो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको पूरे पूरे को इधर लेके आप चले आओ, ठीक। तो ये हो जाएगा, जब इधर आएगा तो ये माइनस 3/5 क्या हो जाएगा, प्लस 3x/5, और यही बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 × 2 = 6, 3 और 2 का गुणा क्या 6, 3 से 1 कटा 2 बार में, x = 5 × 10 परसेंट का क्या हानि, उसे 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है 10% का, तो यही 10% की हानि क्या होगा, हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो सेम क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी संपूर्ण वस्तुओं का 40% भाग 10% हानि पर बेचता है और शेष भाग को 15% लाभ पर बेचता है, तो बताइए पूरे व्यापारियों से कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। संपूर्ण वस्तुओं का 40% भाग, ए का मान क्या दिया है, पूरे व्यापार का हमें परसेंट लाभ या हानि बताना, ए का मान दिया है 40%, अच्छा ये बताओ आप ए और बी का मान निकाल लो, 40% अगर पहला भाग है तो दूसरा भाग कितना होगा, अनुपाते 60% होगा भाई, 100% होता है, तो 20 से काटा 2 बार में, 20 से काटा 3 बार में, मात्राओं में क्या अनुपात है, 2:3 का, चलो 2 × कितने 10% की हानि पर -10 प्लस शेष भाग को शेष यही है 3, इसको 15% लाभ पर, 15 और 2 = 3×2 = 5, ठीक ना, 2 = 5, देखते हैं हानि आता है कि लाभ, 10 × -20 हो जाएगा और 15 × 30 हो जाएगा, तो -20 में से 30 आप जोड़ोगे तो 10 बचेगा, 10/5, और इसको काटेंगे तो 2% का क्या लाभ, ठीक है ना, 2% का क्या हो जाएगा लाभ, देख लो सॉरी 40% भाग 10% हानि पर बेचा है, शेष 60% बाकी बेचेगा, जो भी लाभ या हानि पर बेचना होगा, तो मतलब 40 का 20 से काटा 2 बार में, 20 से काटा 3 बार में, ठीक, 2:3 का अनुपात हो गया मात्राओं में। पूछा है शेष भाग को 15% लाभ बेचता है तो पूरे व्यापार का लाभ या हानि परसेंट हमें बताना था, तो देख लो 10 × -20 हो गया, और अच्छा सॉरी 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 20 और 45 का अंतर आ जाएगा 15 और 15 = 45 का अंतर कितना 15/5, और इसको काटोगे आप 3% का आएगा, 2% नहीं, 3% का यहाँ पे तीन परसेंट का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और चेक कर लीजिएगा, 3% हमारे लगाने पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे व्यापार में उसे 3% का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना, 3% का लाभ होगा, हानि नहीं होगी, हानि तब होती जब माइनस में आता, यहाँ पे ये 20 हो रहा है और ये 45 हो रहा है, 20 और 45 का अंतर कितना हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे हमारा 3% का क्या आया, लाभ आया, ठीक है, हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अब हम लोग इसके शेष आगे की बात हम लोग अपने करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।